ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं जिसका थोड़ा सा डिले हो गया, बट स्टिल वी हैव लॉट ऑफ डेज लेफ्ट इन द मंथ ऑफ जून। और ये काफ़ी डिफरेंट रीडिंग होगी जो कि ये बताएगी कि किन किन चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। जो वक्त गुजर चुका है जून का, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट येस इन द मंथ ऑफ जून आप ये भी देख सकते हैं, हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हों या फिर ये इस महीने में होने वाली हों। सो अगर हो चुकी हैं सो ज़रूर मुझे ये चीज़ आप बताना, क्योंकि हम इस मंथ की एनर्जी देखेंगे उस पर्टिकुलर राशि के लिए कि क्या दिख रहा है, क्या एग्जैक्टली है। सो अगर है तो आप मुझे ज़रूर बताना, और अगर होने वाली हैं सो आप उसको एक गाइडेंस की तरह एक उस तरह से ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जल्दी से इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तभी मुझे पता लगेगा दैट यू आर लाइकिंग माय चैनल। दूसरी बात, नोटिफिकेशन बेल बहुत सारे लोगों ने ऑन नहीं रखी हुई है, और जिसकी वजह से उन्हें रेगुलरली मेरी वीडियो जब भी आती है पता नहीं चलता। रिक्वेस्ट यू कि आप उसे ऑन रखें, तभी आपको पता चलेगा। एंड लास्ट, प्लीज़ इस वीडियो को एक जनरल वीडियो की तरह देखें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो ज़बरदस्ती अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होती, या ज़बरदस्ती उन चीज़ों को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना, उसको एक जनरल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है और उस हिसाब से ही लेना है। पर्सनल रीडिंग करनी है तो नंबर ऊपर है। सो जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो कैप्रिकॉन, आई होप फ्रेंड्स मकर राशि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या दो सबसे बड़ी भविष्यवाणी नज़र आ रही हैं फॉर कैप्रिकॉन्स जून मंथ में, उनके साथ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। क्लैरिफायर भी निकालेंगे, देखेंगे क्या क्लैरिफायर्स कहते हैं आपके लिए। सबसे पहला टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं इंसान को बैलेंस होने के लिए कहता है। अगर बहुत प्रैक्टिकल है तो इमोशनल होने के लिए कहता है, और बहुत इमोशनल है तो ये एक मेजर अरकाना कार्ड है, और आपको कहीं ना कहीं ज़मीन पे रहने को कहेगा इंसान। अगर बहुत उड़ रहा था कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन में, तो वो संभलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा संभला हुआ था और बहुत उसने अपनी सेल्फ एस्टीम को ज़ीरो पे कर रखा था, तो वो अब थोड़ा सा वापस आएगा। देखते हैं क्या है क्लैरिफायर। पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कैप्रिकॉन, ये दो तरह से मैं आपको इसमें दो रीडिंग्स आई हैं, दो चीज़ें आई हैं मुझे, और ये किसके साथ क्या क्लैरिफाई होता है आप मुझे कमेंट करके बताना। मुझे जो दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में हैं, आप उस थर्ड पार्टी को पाना चाहते हैं, या फिर आपका खुद का पर्सन ही अब आपके लिए थर्ड पार्टी बन गया। अब आप उसको पसंद नहीं करते, आपका उससे मन भर गया है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि फाइनली अब मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। ये उन लोगों के लिए है जो उससे छुटकारा चाहते हैं। सेकंड, आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है, हो सकता है वो आपके पार्टनर की तरफ से आई हो सकता है वो आपकी तरफ से आई हो। सो ये जनरल रीडिंग है तो मैं किसी के लिए एक बात नहीं बता सकती। आप उस थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं, आप चाहते हैं वो हम दोनों के बीच में से निकल जाए, या आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी दूर हो जाए धीरे धीरे, और आप उसके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। अगर अब तक आप बिल्कुल इस बारे में नहीं सोच रहे थे, या अब तक आप अपने पार्टनर को छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे थे, या उस पर्सन को निकालने के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो इस मंथ आप कुछ मैन्युपुलेटिव मोड में दिख रहे हैं मुझे। आप मुझे कुछ ऐसी मैन्युपुलेशंस करते दिख रहे हैं, काइंड ऑफ ऐसा दिमाग चलाते दिख रहे हैं, कुछ ऐसी चालाकी करते दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से प्लान्स बनाते दिख रहे हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी, चाहे वो थर्ड पार्टी आपका खुद का पर्सन बन गया हो, या फिर थर्ड पार्टी कोई दूसरा पर्सन हो जो आप दोनों के बीच में आया, उसको आप हटाने के प्लान्स बना रहे हैं अपनी लाइफ में। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है कैप्रिकॉन आप लोगों की लाइफ में। अब आप मुझे बताना क्या कमेंट करके
कि सच में ऐसा है या नहीं। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी दिख रही है मुझे कि आप किसी को अपनी लाइफ से रिमूव करने के प्लान्स कर रहे हैं, मैन्युपुलेशन कर रहे हैं। सेकंड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन जो पहले क्वीन ऑफ कप्स था या जो बहुत लविंग एनर्जी में रहता था, लेकिन उसने शायद एकदम से अपने आप को बिटर कर लिया है, बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है उसके अंदर। क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ न्यू स्टेप्स उठाने की सोच रहे हैं और आपने कुछ एक प्लान बना रहे हैं अपनी लाइफ में, और काफ़ी कड़े कड़े स्टेप्स उठा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठा रहे हैं अपनी लाइफ में। आपने अपनी पास्ट की, जो भी आप दोनों की, आपकी, आपके पार्टनर की, आपकी किसी और के साथ भी, ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, आपने अपने पास्ट से कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब इस चीज़ को और कंटिन्यू नहीं करना है और मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पर मुझे सक्सेस मिले। अगर अब तक मुझे सक्सेस नहीं मिली है, अब तक मैं सक्सेस से दूर हूँ, तो आप उसके ऊपर मुझे एफर्ट करते नज़र आएंगे। जून मंथ में आप बहुत ज़्यादा हार्शली इस पूरी चीज़ पे काम करेंगे, कहीं ना कहीं आप थोड़े से हार्श भी हो जाएंगे, आपको खुद को ही क्लियर नहीं होगा कि मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में इतना ज़्यादा हार्श बिहेव करना चाहिए था कि नहीं। मैं आपको यही समझाऊंगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हार्श और बिटर टाइप ऑफ एनर्जी आई है, आप थोड़ा सा अगर हो सके तो उस पर कंट्रोल कीजिएगा कैप्रिकॉर्न, क्योंकि नफ़रत को आप किसी भी लेवल पे ले जाओ, नफ़रत नफ़रत ही होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सामने वाला गलत नहीं था और आप सही थे, आपकी सिचुएशन क्या थी वो हमें नहीं पता, बट आप कितना ज़्यादा उस चीज़ के अंदर कितना नेगेटिव एनर्जी डाल सकते हैं वो अब आपके ऊपर है, हाउ मच यू आर पुटिंग योर नेगेटिव एनर्जी इनटू इट। तो थोड़ा सा रुक कर, संभल कर, सोच कर चलें, बहुत ज़्यादा ऐसा ही नहीं कि बस मुझे तो बस सबकी गर्दन उड़ानी है, ऐसे वाले एटीट्यूड में मत जाइएगा, अपनी सिर्फ अपनी जीत के लिए, ठीक है। सो ये मुझे आपकी तरफ से नज़र आए हैं दो बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट बदलाव, चेंजेस, घटनाएं जो मुझे आप करते नज़र आ रहे हैं, और आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आगे ऐसा आपने कुछ किया है। नेक्स्ट हम आपके लिए देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस, व्हाट शुड यू डू एग्जैक्टली इन द मंथ ऑफ जून। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स, क्या दिख रहा है? सो इमोशंस आर रनिंग हाई, सो बहुत ज़्यादा इस टाइम इमोशंस हाई हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं विच माइट बी राइट, विच माइट नॉट बी राइट। सो आपको वही मैंने आपकी सेकेंड भविष्यवाणी में कहा था कि आपको थोड़ा सा दिमाग को यूज़ ज़्यादा करना है, नेगेटिव एनर्जी में इस टाइम बहुत ज़्यादा आप जा सकते हैं और मुझे आप जाते दिख रहे हैं। सो आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिए कैप्रिकॉर्न्स, ऐसा ना हो कि आप अभी आपको पता ना लगे और बाद में वो आपके ही अगेंस्ट हो जाएं सारी चीज़ें। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट केस। सेकंड देखते हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए आप अपने पास्ट की वजह से ही कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, मैंने आपको बोला ना, आप अपने पास्ट की वजह से बदला लेने की या सामने वाले के साथ ये कर दूँ वो कर दूँ, तो उसे ऐसा मत करिए जिसकी वजह से आपका ही नुकसान हो जाए, क्योंकि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा आपके अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों का बुरा करते चले जाएंगे। हो सकता है कि सामने वाले की कुछ और सिचुएशन हो, आप उसे समझने में असफल रहे, क्या कहानियां रहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे चीज़ों को सोचें और बहुत ज़्यादा क्रूर ना बन जाए। मुझे आप क्रूरता की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, सो कंट्रोल करें अपने गुस्से को और अपनी चीज़ों को थोड़ा, ठीक है। तो ये है माय डियर कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग, एंड आई होप फ्रेंड्स आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली हो जून मंथ में आपने कैसे चलना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे
कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप ही करें फ्रेंड्स, कॉल ना करें प्लीज़। और मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में। लाइक ज़रूर करें वीडियो को। सो बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स।